लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो मत जाओ यार, किसी और को भी पास्ट के लिए क्या है ये, क्या हो रहा है यार, कोई मुझे बताएगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा पास्ट था? इसकी स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड थी, इसका नाम था अंजलि। जब उसको पता है हमारी शादी हो गई तो वो हमारे मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं देने वाला हूँ मेघा को तलाक। गाइस मजाक कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ मेघा के साथ डिवोर्स प्रैंक। इसके लिए मैंने अपने भाई को भी बुला दिया जो कि रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, और हम लेकर आए हैं ये डिवोर्स एग्रीमेंट। तो मैंने बुलाया है अपने भाई को हल्द्वानी से, क्योंकि मैंने बैक टू बैक दो तीन प्रैंक अगर दिए मेघा के साथ तो उसको मुझ पे शक हो रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा प्रैंक को रियलिस्टिक दिखाने के लिए अपने भाई को भी बुला दिया है। तो ये रहा मेरा भाई जो कि आया है हल्द्वानी से, और ये लेकर आया है सिर्फ कागज। सो गाइस, अभी मुझे मेरे भाई का कॉल आया, संदीप भाई का, और उसने मेरे को बोला कि तू जल्दी जल्दी देहरादून आ जा। अब मैं सोचा कि दोस्तों इतने जल्दी देहरादून ये मुझे क्यों बुला रहा है। इसने मेरे को कहा था कि तू देहरादून आना, बट मैंने प्लानिंग करी थी कि मैं कुछ हफ्तों बाद देहरादून जाऊंगा, लेकिन इसने अर्जेंट बुलाया है। और इसने मेरे को एक शॉकिंग चीज कही है, इसने मेरे को बोला है कि तू डिवोर्स के पेपर लेके आ। मैंने बोला वो कैसे? इसने बोला कुछ भी बना के लिया, फेक बना के लिया। तो गाइस हम ट्रेन में आ चुके हैं और हम सुबह तक पहुंच जाएंगे देहरादून। तो गाइस सुबह के 4 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून। ऐसे दादा के घर जाना है, हम लोग मंगाएंगे अपने लिए उबर। तो अभी हम वेट करते हैं मेघा के आने का। तो मेघा भी गई है अपनी डांस वीडियो शूट करने के लिए इंस्टाग्राम के लिए। तो अभी हम वेट करते हैं और कैमरे को छुपा देते हैं और फटाफट सेटअप करते हैं। सो गाइस कैमरे को कर दिया सेट और मेघा के आने का भी टाइम हो रहा है, तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है प्रैंक। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आजा दरवाजा खुला है, एक साइड यहाँ पर कर दे, एक नीचे करना है, इसके बाद बाकी ये जो दो है ना आप अभी से लगेंगे। दो कब आए हर्षू? अभी आप अभी जितनी देर ना क्या हो रहा है, कोई बताएगा? तुम इस पे साइन तो करो फिर बता रहे। मैं साइन कैसे कर दूं? ये है क्या, एक बार कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? ये मजाक कर रहे हो मेरे साथ? देखो मैंने तो सभी जगह कर दिया, तुम यहाँ पे कर दो, एक इधर कर दो, एक यहाँ पे कर दो, दो जगह हो जाएगा। हर्षो आप बताओगे क्या हो रहा है? आप नहीं बता रहे हो, सडनली ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे मैं बताता हूँ ना सब कुछ। एक्चुअली क्या है, इसकी स्कूल टाइम में एक गर्लफ्रेंड थी, इसका नाम था अंजलि, ठीक है? तो स्कूल टाइम से इसका चक्कर चल रहा था, फिर अचानक से देहरादून चला गया, अभी आपके साथ वीडियो बनाने लग गया। हमको किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन मम्मी को आप पसंद आ गए क्योंकि आपकी सेम कास्ट, आप हम दोनों की सेम कास्ट, ऐसा हो गया तो आप लोग की शादी हो गई है ना। लेकिन अंजलि जो थी वो अदर कास्ट की थी, पहले अंजलि को भी लेके आया था घर में और उसने बोला था कि मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन अंजलि की अदर कास्ट थी इसलिए घर वाले मान नहीं रहे थे। फिर आप लोग की शादी होगी, लेकिन अंजलि को इसने ऐसे लटका दिया क्योंकि अंजलि को धोखे में लगता रहा ना कि मैं इससे शादी करूंगा तुमसे शादी करूंगा करके, लेकिन इसने शादी करी नहीं। अब अंजलि इसको तो कुछ कह नहीं दिया क्योंकि इसने हर जगह से ब्लॉक मार दिया और यहाँ पर देहरादून आके बैठा है, लेकिन अंजलि और उसके घर वाले हमारे घर आने में लगे, पूरे आस पड़ोस वालों को सबको पता चल गया है, कोई मतलब इज्जत बची नहीं हमारे पूरे समाज में। अब हम क्या करें बताओ, एक ही रास्ता बचता है डिवोर्स का। क्या है बताओगे कुछ? क्या बताऊं मैं, मेरे बोली क्या है संदीप, क्या है? देखो मैं खुद ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ यार? मैंने शादी कर रखी है आपसे, कोई मजाक कर रखा है क्या? सीधे डिवोर्स के पेपर्स पे लाके साइन कर दो बोल रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने पूछा था इससे कॉल में, देखो कौन सी है, दोनों में से एक चूज कर, आगे की लाइफ तेरी है तू चूज करेगा। तो उसने बोला मैं अंजलि के साथ रहना चाहता हूँ, तो फिर उसने बोला डिवोर्स पेपर ले जा, मिल गया। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। आप मुझे बस इतना बताओ संदीप कि आपको अंजलि के साथ क्यों रहना है और आपने मुझसे क्यों शादी करी? मैंने तुमसे शादी करी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार करते हो तो ये क्या है, साइन कर लो बोल रहे हो, आते ही प्यार करते हो, ये प्यार होता है? आते ही बिल्कुल यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे साइन करना है, और अब तुम्हें अंजलि के साथ रहना है, ये क्या बात होती है यार? वहाँ पे जहाँ पे मेरे घर वालों की इज्जत दाव पे लग गई है तो मैं क्या करूँ बताओ? एक तरफ इज्जत, तो मेरी इज्जत, मेरे घर वालों की इज्जत, मैंने तो तुमसे शादी करी है ना, तो तुम्हारी तो फिर से हो जाएगी यार। फिर से कैसे हो जाएगी? अभी तो एक फिर से नहीं होती लड़की की शादी। अरे हो जाती है, आजकल सब चलता है। मतलब तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी, मैं किसी अंजलि के साथ चक्कर था, ऐसा कुछ था? यार कौन लड़का अपनी एक्स के बारे में बताता है, मैं तो भूल गया था, मैं तो देहरादून में आ गया था स्कूबी के साथ। हर कोई अपना पास्ट बताता है, पर ऐसा पास्ट कौन बताता है? इतना सुनहरा पास्ट किसको कौन बताता? सुनहरा क्या सुनहरा पास्ट तो बाद में होगा ना, इसने तो लटकाया रखा शादी तक। चलो वो सब छोड़ो, अब रात की बात है। क्यों नहीं बताया? डबल डेट करी इसने, फिर आपसे शादी कर ली। ये सब मैंने पहले क्यों बताया मुझे? डोंट टच मी। रात पहले क्यों नहीं बताया आपने? और आपने क्या बोला अभी, आप अंजलि के साथ रहना चाहते हो? रहना नहीं चाहता हूँ, रहना ही चाहते ना, तभी तो आपसे डिवोर्स ले रहे हैं।
दो में से तो एक के साथ ही रह पाएगा ना। मतलब तुम लोगों ने सोचा भी नहीं एक बार की कि यार मेरे पे क्या बीतेगी, मेरी क्या हालत होगी ये सब सुन के। आते ही घर आते ही तुम लोग मुझे ऐसे सदमा दे रहे हो, तुम लोगों ने सोचा भी नहीं एक बार। मैंने बहुत सोचा। तुमसे सवाल है संदीप, तुमसे। तुम ऐसे ये सोच भी कैसे सकते हो, ये पेपर दिखाने से पहले तुम्हें एक बार भी तुम्हारे मन में नहीं आया यार मैं मेघा को ये पेपर दिखाऊंगा तो उसमें क्या बीतेगी। यार मैं क्या करूँ बता, मैं भी तो मजबूर हूँ, मेरी जगह बैठ के। ऐसा मजबूरी, ये कैसी मजबूरी है? एक को छोड़ा दूसरे के साथ शादी कर ली। अगर तुम मेरी जगह पे होते जहाँ पर घर वालों की ये क्या हो रहा है यार, कोई मुझे बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर मेरी जगह पे तुम होते तुम क्या करते, मुझे चूज करते या अपने घर वालों की इज्जत, ये बता दो बस। संदीप शादी के बाद उसकी इज्जत, उसकी सब कुछ उसका पति ही होता है। हाँ घर वाले होते हैं, अपने घर वाले, हस्बैंड के घर वाले भी होते हैं, दोनों की इज्जत, सबकी इज्जत लेके चलनी होती है। एक इंसान, एक औरत दोनों घरों को चलाती है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि चूज करने वाली बात, वो कौन है? उससे शादी नहीं हुई है ना, उसको बोलो अर्शो के घर ना आए, हम पुलिस केस कर देंगे। बोलो उसको केस करने लग जा रहा है भाभी, मैं नहीं सकता, मैं नहीं हो सकता। अरे इसका पास्ट क्या, आपको पता ही क्या है? मैं समझा देता हूँ, मैं लीगली तुम्हारी वाइफ हूँ या नहीं हूँ? लीगली हो तभी तो लीगली डिवोर्स लेना पड़ रहा है। यार मेरे पैर कांप रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे सच सच बताओ यार। मेरी बात सुनो, तुम उस लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले सकते? स्टैंड ले तो रहा हूँ उसके लिए, अगर मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते उसके अगेंस्ट? मैं चाहता हूँ कि दोनों ही साथ में रहेंगे खुशी खुशी, मेरा तो बढ़िया यार, दोनों साथ में रहेंगे, घर वालों की इज्जत भी हो जाएगी, तुम्हारा मान सम्मान भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, मैंने इनसे शादी करी है। वाओ संदीप, तुम ये लो। वाओ, मैंने आपसे शादी करी है, ये लो करो, उठा के ला दे यार, मैं उसको फाड़ दूंगी। दो मुझे दो। ये पेन है। ओए, अरे अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो बना के लेके आया था। एक काम कर, इसका क्या कहते हैं दूसरा, एक और है, एक और प्रिंट आउट है मेरे पास, ठीक है तू वो निकाल के ला। ठीक है, चक्कर आ रहा है संदीप, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो यार। ये सब फाड़ दिया पूरा, एक बार पढ़ तो लेते अच्छे से, मैंने सब कुछ लिख रखा उसमें, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है 50-50 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, फ्यूचर की भी दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए संदीप, मैंने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी देख के शादी नहीं की है, मैंने तुमसे प्यार किया इसलिए शादी करी है। तो मैं भी तो निभा रहा हूं, मैं भी अर्न करती हूं, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का, तुम्हारे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो मत जाओ यार किसी और, वो भी पास्ट के लिए, जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमारी शादी हो गई है, तभी तो मैं पुलिस वालों को। उसको पता है हमारी शादी हो गई तो वो हमारे मेरे पीछे क्यों पड़ी है? तभी तो वो प्यार से चाह रही है कि या तो क्या कहते हैं दीदी मान जाएगी हम दोनों साथ में रहें, या फिर क्या कहते हैं डिवोर्स कर ले, वो तो दोनों ऑप्शन देगी, क्या तुम दे सकते हो दोनों? मैं बता रहा हूँ सारी गलती है इसकी, अगर ये सब सच बता देता तो आज ऐसा होता नहीं। उठो भाभी, क्या हो गया? अरे भाभी फ्रैंक कर रहे थे, उठो। फ्रैंक था उठो, ये पढ़ तो ले बैंकर, ये यूएस एग्रीमेंट है। अरे उठो, ये देख इसमें यूएस यूएस का आर्म फोर्स, ये देख। अरे उठो उठो। अरे भाभी प्रैंक था वो, अरे प्रैंक कर रहे थे भाभी, पानी पी लो भाभी। ओए उठ उठो, बोलो उठ उठ पंडाल पंडाल ऑर्डर, उठो उठो। मजाक था यारो। 3 hours later, क्या हो रहा है? डिवोर्स एग्रीमेंट ऐसे थोड़ी मिल जाता, मेरे को कैसे दे देंगे वो डिवोर्स एग्रीमेंट? वो ये तो इसकी सुनना शादी हो रही है, आ जा उठ जाओ, आ जा, ये कोई वकील इसके लिए तो पूरा वकील लगता है, लॉयर लगता है, उठ जाओ। भारी हो गए हो, मजाक था। हेलो, मजाक था।
ये देखिए पढ़ अच्छे से, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। अगर ये सच है तो भी बता दो, और अगर नहीं है, मजाक है, तो तुम ऐसा मजाक मेरे साथ कैसे कर सकते हो? ये डिवोर्स एग्रीमेंट ऐसे तो ना था, कागजों में ये देखिए क्या लिखा है, मेरे को कैसे दे देंगे बिना लॉयर के? नहीं होता ना वो, सच में ये देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्म फोर्स। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? मैं प्रैंक कर रहा था ताकि कैसे कैसे सोच लिया ऐसा प्रैंक करने के लिए? अब से नहीं करूंगा। कैसे सोच लिया? चलो उठो, मेकअप खराब हो रहा तुम्हारा। चलो चल इसको बाहर लेके चलते हैं घुमाने। चलो आ जाओ, चलो चलिए ले, चलो कॉफी पीने चलते हैं, चलो स्टारबक्स। चलो चलो, आ मैंने कैमरा लगाया था यार, उधर कैमरा भी लगा, पूरी वीडियो बन गई। कैसा लगा मेरा प्रैंक? अच्छा लगा, मजाक कर रहा था हर्षो को देख। हर्षो बेचारे अच्छे से तो मिल रहा है हर्षो से? मेरे साथ ऐसा कैसे करने की सोची? अरे उसने कहा शादी वाला प्रैंक भी किया था एक दिन, लेकिन तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? अब उसने मेरे को बुलाया इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है बढ़िया हो जाएगा। अब मुझे क्या पता इतना सीरियस हो जाएगा, मैं अगर आप बेहोशी हो जाओगे। अरे मैं चीजों को सीरियस लेती हूँ, क्या कर सकते हैं फिर, मेरे को तो बोला ना भाई की बात भी माननी होती। आगे से साथ नहीं दोगे इनका? ठीक है चलो फिर, अब मजाक ठहरो, जाओ मुंह हाथ में, जाओ हाथ में धो लो, जाओ जाओ जाओ, थक गए हो तुम। कैसी रही तुम्हारी क्लासेस?